बात तो बताओ। क्या दादा अबू ने आपसे अरुबा के बारे में कोई बात की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? इन हालात में भी आप बेटे को बुरा भला कह रहे हैं। आपसे ज्यादा एहसास है मुझे। दुख दर्द के इजहार में आपकी तरह रो पीट कर नहीं करता। तो मैं कल ही बारात लाऊंगा और तुम्हें यहाँ से अपनी बीवी बना के हमेशा के लिए ले जाऊंगा। मंजूर, अब और इंतजार तो उससे भी नहीं होता। क्या बकवास कर रहा था ये फकीर? अबे ओए, सामान संभाल कर बात कर। साला पेंडू, धमकियां कैसे दे रहा है? लगता है तू अभी मुझे जानता नहीं है। और तू मुझे अभी नहीं जानता? तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा आज। एक बात कान खोल के सुन ले, मेहनत सिर्फ मेरी है। अगर इसकी तरफ देखा ना तो मैं पिस्तौल अंदर रखो। कमाल, पिस्तौल को अंदर रखो। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन के रखी। तू अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता है ना? अबे तू चीज क्या है? महनाज मेरी होने वाली बीवी है और तू उसे धमकियां देता है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। रख इस खिलौने को अंदर। तेरे जैसे चुच्चे के हाथ में अच्छे नहीं लगते। इस तरह के खिलौने, इस तरह की चीजें सिर्फ हम जैसे शेरों के हाथ में अच्छी लगती है। रख इसको अंदर। भाभी, भाभी आमिर को जरा भी एहसास नहीं है कि उसका बाप जेल में बंद है और आप यहाँ पे तन्हा हैं। उसे इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ, आपके पास होना चाहिए था। और वो है कि पता नहीं कहाँ है। कब से फोन कर रही हूँ पर अटेंड ही नहीं कर रहा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। यकीनन किसी काम में मसरूफ होगा, वरना वो अपने बाप के लिए तो जरूर आता। अगली पेशी की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। जब वो आए तो उसे समझा दीजिएगा कि दोबारा गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हो सकता है अगली पेशी तक तो फैसला भी हो जाए। मैं उसे समझा दूंगी। खालिद, वो घर का कब्जा कब तक देना होगा? अब भाभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। जब तक जाहिर नहीं आ जाता तब तक तो आप यहाँ रुक सकती हैं। और हाँ, वो एडवांस की रकम अगर आप कहें तो मैं आपको दे दूंगा। आप अपने पास ही रखिए, इतनी बड़ी रकम मैं अभी नहीं संभाल सकूंगी। अच्छा। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलो इन्हें। तो ये जमीन का माल किसी महनाज के नाम पे करना चाहते थे। आईसी, ये वो औरत है जो मैं ये ज्यादती कभी नहीं होने दूंगी। लाखों की जायदाद किसी बाजारू औरत के नाम करना कहाँ की अकलमंदी है। बहू रानी, थाने से फोन आया है। क्या हुआ मासी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? किसका फोन था? पुलिस वाले का। कह रहा था कि चौधरी कमाल के गोली लग गई है। क्या गोली? कहाँ है कमाल? अस्पताल में। कहते हैं कि आकर लाश ले जाओ। लाश? Thank you.
बेटा, सब्र करो, हौसला रखो। मैं कमाल के कातिल को कभी माफ नहीं करूं। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बेटा, जालिम को सजा जरूर मिलती है। अल्लाह ताला कातिल को कभी माफ नहीं करता। वो जैसे भी थे, वो जैसे भी थे नाना, वो मेरे शौहर थे। मैं बेआसरा हो गई नाना अबू। मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बस मेरे बेटा, सब्र करो। इस सदमे की वजह से तुम्हारी नानी और मौई बेसुध घर में पड़ी हैं। मैं तन्हा हो गई। ये क्या हो गया आबिद भाई? अभी तो जाहिद भी जेल से नहीं निकली और मेरा आबिद, खुदा के लिए कुछ करे, कुछ करे। भाभी मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? हमें क्या खबर थी कि आमिर ऐसा कारनामा करेगा? जिस शख्स को उसने कत्ल किया है आप जानती भी हैं वो कौन है? कौन है? चौधरी कमाल, उरुबा का शौहर। क्या? क्या? उरुबा का शौहर? उरुबा के शौहर को कत्ल कर दिया? खालिद, खालिद मुझे उरुबा के पास ले चलो। मैं उसके सामने जाके हाथ जोड़ के उससे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगूंगी। मुझे उसके पास ले चले, मैं उसे उसके बाबू का वास्ता दूंगी। मुझे उसके पास ले चले। तहसीन बेटा, ये इतना आसान काम नहीं है। मैं कल अरूबा के पास गया था, पता उसने क्या कहा? कि मैं कमाल के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। कर देगी वो माफ। आप लोग देखिएगा, वो मेरे आमिर को माफ कर देगी। मुझे उसके पास ले चले, ले चले, मुझे उसके पास ले चले। कर देगी वो माफ, कर देगी, ले चले। मेरे आमिर को माफ कर देगी, मेरे आमिर को माफ कर देगी वो। पढ़ लें अम्मी, गौर से पढ़ लें उस मासूम के करतूत। आपने अरूबा को गुनाहगार बनाया और उस आमिर को मासूम, मजलूम। अब इस हिस्ट्री को पढ़कर आपको अपने अंदाजों पर खुद अफसोस होगा कि अखबार वाले हर रोज कोई ना कोई नई स्टोरी छाप रहे। आमिर अब नहीं बचेगा, अरूबा उसे कभी माफ नहीं करेगी। आमिर ने अरूबा की वजह से कमाल को कत्ल किया है ताकि वो गलत। उन दोनों का झगड़ा उस नाचने वाली मेहनास नामी लड़की की वजह से शुरू हुआ था और उसी के कोठे में आमिर ने कमाल का कत्ल किया है। आमिर शुरू से ही अरूबा की जिंदगी के लिए अजाब बना हुआ था। तो अब क्या होगा? अब्बू कह रहे थे कि तहसीन चची रहम की अपील लेकर अरूबा के पास जाएगी। वाह अल्लाह की शान, जो औरत अरूबा को धुतकार कर जलील करती थी अब उसी से रहम की अपील करेगी। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। अरूबा अब बेवा हो गई है, उसे चाहिए कि आमिर को माफ करके उससे शादी कर ले। कम से कम उस बुड्ढे से तो जान छुटी ना उसकी।
आपी, कितनी घटिया सोच है आपकी। नाजिया, ये लड़की अरूबा है ही बदनसीब। इसके नसीब में सुख है ही नहीं, कभी यहां कभी वहां। बहू रानी, खुद को संभालिए। मरने वाला तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन जिंदगी में दुनिया छोड़ना मुमकिन नहीं। यह हवेली, चौधरी कमाल की जायदाद, सब कुछ आप ही को संभालनी है, वरना इस हवेली में इतने गीत है कि आपको नोच कर खा जाएंगे। मासी, मैं कमाल के कातिलों को फांसी दिलवाऊंगी। इस वक्त मैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती। बेटा, इन लोगों की आंखों में मैंने दौलत की हविस देखी है। चौधरी कमाल ने अपनी जायदाद आपके नाम नहीं की। इन लोगों को खबर नहीं होनी चाहिए। हमें फौरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मासी, कमाल को मरे हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, और जायदाद की तकसीम की बातें अभी से शुरू होने लगी है। मेरे जख्म ताजा हैं, मैं दर्द में हूं। मातम करूं या दौलत की चाह करूं, मैं कमाल के कातिलों को नहीं छोड़ूंगी। मासी, भले सारी जायदाद बिक जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इस वक्त कौन आ गया? शायद कोई ताजियत के लिए आया है, मैं देखकर आती हूं। बहू रानी, आपके मामू और मामी आए हैं, साथ में मिकाल भी हैं। वो फिर आ गए? मासी, जाकर उनसे कहो कि मुझे किसी से नहीं मिलना। मासी जी, से कहे वो उसे एक बार मिल ले, मेरी एक बार बात सुन ले। बात सुन भी ली और जवाब भी दे दिया है। आपका बार बार आने का मकसद? खुदा के लिए उससे कहे मेरी बात सुन ले, मैं उसकी मिन्नतें कर लूंगी, उसके पाँव पकड़ लूंगी। उससे कहे वो मुझसे मिल ले, सिर्फ एक बार मिल ले। खालिद, खालिद आप कहे ना। यसीन भाभी, मैं महज आपकी जिद की वजह से मजबूर होकर यहाँ पे आ गया था। ना मुझे सारी सूरत हाल का बखूबी अंदाजा था। खुदा के लिए उससे कहे कि वो मेरे आमिर को माफ कर दे, उसे एक बार मिलने मेरे आमिर को माफ कर दे, मेरे आमिर को माफ कर दे, माफ कर दे। मामी, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस तरह से सजा मत दे, मेरी बात तो सुने। मामी, मुझे माफ करें। Thank you.
रूबा, मैं यहाँ किसी की सिफारिश करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। किसी के भी दबाव में आके तुम्हें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो मैं तहसीन मामी से मिल लेती हूँ। मुझे माफ कर दो रूबा, माफ कर दो मुझे उन ज्यादतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। तुम बेगुनाह थी, मैंने तुम पर बहुत ताल लगाया। मेरे आमिर को माफ कर दो, वो फांसी चढ़ जाएगा रूबा। मामी, इस बार सवाल मेरा या मेरी इज्जत का नहीं है। उसने मेरे शौहर का कत्ल किया है, कातिल है वो मेरे शौहर का, और मैं अपने शौहर के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती। अगर आमिर की जगह कोई भी और होता तो मैं उसे भी कभी माफ नहीं करती। अपने मामू का सोचो रूबा, वो भी जेल में, आमिर भी जेल में, मैं तन्हा रह गई हूँ, मेरा क्या होगा। अगर कोई ये सोच ले कि मेरे आने वाले कल का क्या होगा, कोई किसी के आने वाले कल को बर्बाद नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, माफी मांग रही हूँ। क्या आपकी माफी मेरी मेरी बेवगी को बदल सकती है? हाँ बताएं, आपके बेटे ने मेरे शौहर का कत्ल किया है, उसने मुझसे मेरा सुहाग, मेरा सहारा कुछ छीन लिया, और आप कहती है कि मैं उसे माफ कर दूं? नहीं, आप मुझे माफ कर ले, मुझे इतना जर्फ नहीं है कि मैं आपके बेटे को माफ कर सकूं। माफ कर दे मुझे, मेरे बच्चे को माफ कर दो, माफ कर दो मेरे बच्चे को, माफ कर दो। भाभी, ऐसा कह मेरे बच्चे को माफ कर दो, उसे पास ही हो जाए। तहसीन भाभी संभालिए खुद को, हिम्मत कीजिए। माफ कर दे मेरे बच्चे को, माफ कर दे मेरे आमिर को, माफ कर दे, माफ कर दे मेरे आमिर। जो करना है जल्दी कर, और मुझे यहाँ से जल्द निकाल। ये जगह बहुत बुरी। जज्बाती बन में उसे कत्ल करने के बजाय अगर होश से काम लिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुझे। चौधरी कमाल, अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी उरुबा के नाम करके गए हैं। मगर बीवी के नाम तमाम जायदाद नहीं हो सकती। लेकिन पैदा होने वाले वारिस के नाम तो हो सकती है ना? धड़कने जिनसे बंधी है उन्हें तन्हा।